हे गाइस, वेलकम बैक टू अन अकेडमी बैंक प्रो यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? होप सो बढ़िया होंगे। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग देवव्रती, धीरेन्द्र, ज्योति, विवेक, रोहिणी, रवि, दीप्ति, मई, दीप्ति मिश्रा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी बढ़िया होंगे। मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है आप सबको? मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है आप सभी को? जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हिमाश्री, छोटू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल और विजिबल राइट नाउ? बढ़िया, एकदम गुड, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग शत्रुघ्न। तो आज हम लोग गाइस डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करेंट अफेयर्स 29 जुलाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और सेशन में बता दूं ओवरऑल सेशन कैसे रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा रहता है कि हम मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं, बट आज अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम डिटेल करते थे, मैं आपको आंसर नहीं देता था। जो लास्ट में हम स्टैटिक, मैंने कहा आपको स्टैटिक के 5 क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाएंगे, और उसका जो आंसर होगा वो अगले नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे में मैं आपके साथ में वो उसके आंसर डिस्कस करूंगा। सो आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट डे, मैंने मतलब कल जो 28 को मैंने आपसे 5 क्वेश्चन सेशन के लास्ट में स्टैटिक के पूछे थे, उसके आंसर पहले करेंगे, फिर हम चलेंगे आज के डिटेल की तरफ, फिर हम 5 क्वेश्चन आपसे स्टैटिक के पूछेंगे। और स्टैटिक हम वही पूछते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो गुड मॉर्निंग काजल, पूनम, मेघा, शर्मिष्ठा, लक्ष्मी प्रिया, आशीष, स्वप्ना, अर्पिता, संगीता, मदन मोहन, कार्तिक, आकाश, विवेक, अर्पिता, मनीष, रवि, धीरेन्द्र, आकाश, नेहल, अनिल, विवेक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग श्रेयस, गुड़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनित, गुड मॉर्निंग आनंद, पीएसबी मंत्रा, गुड मॉर्निंग सोनाली, अभिषेक, अनिल, सोनम। कैसे आप सभी लोग? होप सो बढ़िया होंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब 29 जुलाई का करंट अफेयर्स। गीता जी, सोनम जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अगर आपका फर्स्ट डे है, अगर आप फर्स्ट डे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह और लिंक मिल जाएंगे, और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपको अनअकैडमी पे भी मिल जाऊंगा, तो अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। भाई अनअकैडमी पे तो पढ़ाता ही हूँ, तो अनअकैडमी पे तो मिलूंगा ही मिलूंगा, तो अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलना, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम पे करो या ना करो, ठीक है। चलिए, तो आप, मैं नए कोर्सेज के बारे में बता दूं कि नए कोर्सेज आ रहे हैं, वो नए कोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो SBI और IBPS, मतलब सभी एग्जाम को टारगेट करेंगे हम, यहाँ पे सभी एग्जाम हम टारगेट करेंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स है GA एंड करंट अफेयर्स का, ये थ्रू MCQs चलेगा आपका 10 PM पे, और स्टार्ट होगा ये 10 अगस्त से। एक तरीके से प्रैक्टिस बैच होगा आपके लिए, और दूसरा जो बैच है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और ये 2 PM इसका टाइम रहेगा, और ये डिटेल्ड कोर्स रहेगा। इसमें हम लोग बैंकिंग वगैरह जो भी करेंगे वो सब डिटेल में करने वाले हैं, इसमें हम जो भी करेंगे वो सब डिटेल में करने वाले हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो RKYT10 रेफरल कोड लगा के आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, जितना आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए, आज का मोटिवेशनल कोड आपकी स्क्रीन पे है, आज का, बिल्कुल मुनीष जी, आज का मोटिवेशनल कोड आपकी स्क्रीन पे है, द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो आपकी स्क्रीन पे है, द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो सबसे बढ़िया तरीका है अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, वो क्या है कि जाग जाओ, उठ जाओ। अगर अभी नींद में हो तो उठ जाओ, सो रहे हो तो उठ जाओ, अगर नहीं उठ पा रहे हो तो मम्मी को बोलो, मम्मी एक काम करो, मेरे ऊपर पानी डाल दो एक बाल्टी, या फिर वो झाड़ू डंडा लेके आ जाएंगे, तो फिर अपने आप नींद खुल जाएगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, चलेंगे स्टैटिक के जो क्वेश्चंस थे उनके क्वेश्चन और आंसर। कल पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, निकारगुआ की कैपिटल क्या है, तो निकारगुआ की कैपिटल मनगुआ है। क्या है? मनगुआ है, ओके। तो ये आपको यहां से याद रखना है, निकारगुआ की कैपिटल क्या है,
आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पेस एक्स का एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर जो है वो आपका यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट इसका जो अगला सवाल हमने पूछा था, यूएई की करेंसी, यूएई की करेंसी क्या है? यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम करेंसी है, दिरहम करेंसी है। ओके एंड नेक्स्ट जो आपका एनपीसीआई का हेडक्वार्टर पूछा था मैंने आपसे, एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके एमडी एंड सीईओ जो है वो दिलीप असबे हैं। 2008 में एनपीसीआई स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है। ये स्टैटिक पोर्शन एनपीसीआई से रिलेटेड है। इंडिया रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो अब न्यू दिल्ली में है, और ये आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। अगर अभी यहां पे जितने लोग भी हैं लाइक अगर नहीं किया आपने, लाइक कर दो सेशन को, एक बार कॉपी करके लिंक को और पेस्ट कर दो उन सभी जगह जो भी आपके पास स्टडी हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, सब जगह यहां पे शेयर कर दो इसको। तो पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पे कि एयर मार्शल जो वी आर चौधरी जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है नई चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड के तौर पे। तो एयर मार्शल विवेक कुमार, सॉरी विवेक राम चौधरी जी, ये अपॉइंट किए गए कमांडर इन चीफ इंडियन एयर फोर्स में, वेस्टर्न एयर कमांड में। कहाँ? वेस्टर्न एयर कमांड में कमांडर इन चीफ के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। कौन? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एंड ये किसको यहाँ पे टेक ओवर करेंगे, किसको सक्सीड करेंगे, किसका स्थान लेंगे, किसकी जगह लेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे? तो एयर मार्शल बी सुरेश को रिप्लेस करेंगे यहां से। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। एंड स्टैटिक की बात करें, वेस्टर्न एयर कमांड की बात करें, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। ओके चलिए, ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये एयर मार्शल वी आर चौधरी जी हैं, ये न्यूली अपॉइंटेड है नए वेस्टर्न एयर कमांड के तौर पे। नेक्स्ट जो है आपका ये लिस्ट लगी हुई है, लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, ये रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे भाई जब भी रिवाइज करो तो लिस्ट जरूर देख लेना एक बार, यहां से जब भी रिवाइज करो आप, पीडीएफ जब भी पढ़ोगे तो एक बार लिस्ट जरूर देख लेना, ठीक है। चलो ये रेजिग्नेशंस का है कि राहुल बजाज ने यहाँ पे रिजाइन किया है, और सबा करीम यहाँ पे बीसीसीआई के जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशन से इन्होंने रिजाइन किया है। गगनदीप कंग की बात करें तो क्लिनिकल वैक्सीन साइंटिस्ट से रिजाइन किया है। राहुल जौरी ने रिजाइन किया बीसीसीआई के सीईओ के तौर पर। तो ये जब भी आप पीडीएफ देंगे देखें तो इसको जरूर देख लेना है, ठीक है। एक मिनट भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल, बुक्स एंड ऑथर्स की भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे अमित शाह ने डिस्ट्रीब्यूट किए 100 इलेक्ट्रिक वॉटर व्हील्स अंडर केवीआईसी कुम्हार सशक्तिकरण योजना। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, यहाँ पे कुम्हार सशक्तिकरण योजना ये इंपॉर्टेंट है आपका। मैं यहीं पे हूँ मेरे भाई, मैं यहीं हूँ। तो यहाँ पे कुम्हार सशक्तिकरण योजना जो है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को। एंड इस स्कीम के अंडर में क्या किया गया, 100 इलेक्ट्रिक वॉटर व्हील्स जो है वो आपके जो जो यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। अभी 100 इलेक्ट्रिक वॉटर व्हील्स क्या होते हैं, जो आपने वो कुम्हार का चरखा सुना होगा ना, जो जिस वो घूमता है और उस पे वो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो वो वही आपके इलेक्ट्रिक वॉटर बोलेंगे उसको, वो इलेक्ट्रिक वॉटर है। और ये आपके 100 डिस्ट्रीब्यूट करे हैं किसने? अमित शाह जी ने, अमित शाह जी ने, ट्रेंड आर्टिशंस गांधीनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपको। एंड ये किस स्कीम के अंडर में किए गए, तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना स्कीम के अंडर में किए गए हैं। और ये स्कीम किसने लॉन्च करी, तो स्कीम केवीआईसी ने लॉन्च करी थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने। केवीआईसी की बात करें 1956 में इसको फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर मुंबई में, और विनय कुमार सक्सेना चेयरपर्सन है, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है? विनय कुमार सक्सेना चेयरपर्सन है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल अंडरवे इन इंडिया। तो जो आपका इंडिया के अंदर इंडियन रेलवे जो है कंस्ट्रक्ट करा रहा है, वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक टनल है, ठीक है।
ये इम्पॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर जो भी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रेलवे का एग्जाम देंगे तो उनके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल, कहाँ पे? हरियाणा सोना के पास में, हरियाणा सोना के पास में। आप ट्रेन देखते हैं तो ट्रेन आपकी नॉर्मली कुछ इस टाइप से, मतलब इंजन वगैरह होता है, यहाँ पे ये आपका ये स्टैक कंटेनर होता है, ये आपका स्टैक कंटेनर होता है। तो यहाँ पे ये सिंगल होता है, मतलब ये सिंगल होता है, ऐसे करके लाइन आपकी बनती चली जाती है, ये सिंगल होता है। बट ये जो रहेगा, ये जो टनल रहेगा वो डबल कंटेनर वाला रहेगा, मतलब उसी कंटेनर के ऊपर एक और रहेगा और उसके साथ ही में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक वाला बन रहा है। तो यहाँ से आपका और ज्यादा इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसकी और ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी, मतलब जो गुड्स आप पहले कम ले जा पा रहे थे वो आप और ज्यादा ले जा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डबल स्टैक कंटेनर टनल, जो टनल बन रहा है वो डबल स्टैक का बन रहा है। तो डबल स्टैक से आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल होगा और ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के सोना में, हरियाणा के सोना में। और ये करीब करीब 1 किलोमीटर लॉन्ग है आपका, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इट इज द वन ऑफ बिगेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजरिंग 150 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, ये याद रखना है। रेवाड़ी से दादरी को कनेक्ट करता है ये, रेवाड़ी से एक एक एंड रेवाड़ी है और दूसरा जो है वो दादरी है। ठीक है, ये आपको यहां से याद रखना है। अगर हरियाणा की बात करें मेरे भाई, तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर है और सत्यदेव नारायण आर्या गवर्नर है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। चलिए नेक्स्ट है आपका, एचआरडी मिनिस्टर ने फॉर्म की एक कमेटी, और किसके लिए कमेटी फॉर्म करी गई? इंश्योर करने के लिए मोर स्टूडेंट्स को स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, कि स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इज, तो स्टूडेंट्स को एंश्योर करने के लिए सॉरी कमिटी बनाई गई, उसको हेड किसने किया, उसके चेयरमैन कौन बनाए गए, उसको हेडेड बाई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका एक कमिटी बनाई गई किसके लिए बनाई गई, तो इंश्योर करने के लिए स्टूडेंट्स को स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया, तो उसको हेड किसने किया? तो उसको डीपी सिंह जी ने किया है, डीपी सिंह जी। इंपॉर्टेंट रहेगा, यूजीसी चेयरमैन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, जब भी कोई कमिटी बनाई जाती है, जब भी कोई कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है, तो वहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेजरली आपका क्वेश्चन यही निकल के आता है कि हेड किसने किया, ठीक है, कौन हेड बनाए गए। ओके, ये आपको यहां से याद रखना है। एंड कमिटी जो है स्टेबलाइज करी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सजेस्ट बेस्ड टू इंश्योर मोर स्टूडेंट स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है मेरे भाई। अगर हम स्टैटिक की बात करें तो यूजीसी हेड जो है वो डीपी सिंह है और रमेश पोखरियाल निशांक जो है वो आपके एचआरडी मिनिस्टर है। रमेश पोखरियाल निशांक जो है वो आपके एचआरडी मिनिस्टर है। ये फोटो में जो आप देख रहे हैं रमेश पोखरियाल निशांक जी हैं और इसका इनिशिएटिव का नाम है तो स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया, इसके तहत ही आपका ये कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करी गई है। चलिए, ट्रिबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, इन्होंने इनॉग्रेट किया ई सिंपोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ पे ई सिंपोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट जो है वो इनॉग्रेट करा गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपके जो आप अर्जुन मुंडा है, ट्रिबल अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ई सिंपोजियम हैंडीक्राफ्ट। ऑर्गेनाइज कराया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ई सिंपोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट आपका ऑर्गेनाइज कराया गया था, ये कराया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के द्वारा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसको इनॉग्रेट किसने किया, तो इसको इनॉग्रेट किया है अर्जुन मुंडा ने। किसने? जो आपके ट्रिबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी ने। ओके, ये आपको याद रखना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एक बार यार शेयर कर दो, जितने लोग भी हो एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। और टाइटल की बात करेंगे, इसका टाइटल क्या था? तो इमरजेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रेटजिक एंड डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स इन हैंडीक्राफ्ट्स, ये इसका टाइटल था, ये आपको याद रखना है। स्टैटिक की बात करें, अर्जुन मुंडा आपके ट्रिबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो कुंटी झारखंड में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, चलिए चलिए, बहुत खूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी ने,
नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे जब अभी स्पीच आया था रिसेंटली, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव की बात करी माई गवर्नमेंट की, और यहाँ पे कंप्लीट किया इसने 6 ईयर। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माई गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, ठीक है? तो आपको ये बता देना है कि कब लॉन्च किया गया था, तो 2014 में किया गया था। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे अप्रिसिएट किया एफर्ट्स को जिन्होंने यहाँ पे काम किया है माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंडर में, एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट बाय देयर मैक्सिमम एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच यार, जितने लोग भी शेयर कर देते हैं, सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चले, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्सटेंड्स ऑल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स अप टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस लेवल। तो यहां पे अगर हम बात करें, द डिसीजन एम्स टू एम्पावर रूरल इंडिया बाय ब्रिंगिंग ऑल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम टू ऑल द डोर स्टेप ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो ये यहाँ पे क्या किया गया, जो आपका डिपार्टमेंट है पोस्ट एक्सटेंड्स का, सॉरी डिपार्टमेंट जो आपका पोस्ट का है उसने एक्सटेंड किया स्मॉल सेविंग्स स्कीम को अप टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस लेवल। ओके, ये याद रखना है। इस डिसीजन का एम क्या है, इस डिसीजन का एम क्या है, इसका डिसीजन का एम है एम्पावर रूरल इंडिया बाय ब्रिंगिंग ऑल पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम डोर स्टेप ऑल द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। जो भी रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनके पास ये इनके डोर स्टेप पे ये स्कीम्स पहुंचे, जो पोस्ट ऑफिस ऑफिस की स्कीम्स है। एंड द न्यू ऑर्डर हैज अलाउड ब्रांच पोस्ट ऑफिस टू ऑफर फैसिलिटीज। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, मंथली इनकम स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, ठीक है? तो ये सब ब्रांच पोस्ट ऑफ ये फैसिलिटी जो है ये ऑफर करी गई है, ये सब फैसिलिटी जो है वो ऑफर करी गई है। ओके, चलिए, वेल डन, बहुत अच्छे। एंड कस्टमर विल नाउ बी एबल टू डिपोजिट दियर सेविंग इन टू दीज पॉपुलर स्कीम्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस इन दियर विलेज इटसेल्फ। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी ये यहाँ पे डिपोजिट कर सकते हैं और यहाँ पे विलेज के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस ये जो किया गया है इनिशिएटिव, ये स्कीम जो लॉन्च करी गई है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, तो इसका एम क्या है, तो यहाँ पे ये रूरल इंडिया को एम्पावर करेगा एंड द डोर स्टेप ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। तो यहाँ पे डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किए 3 हाई एंड कोविड टेस्टिंग लैब्स, कहाँ पे, मुंबई, नोएडा, कोलकाता में। तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 3 नई हाई थ्रू आउट ICMR कोविड टेस्टिंग लैब्स जो है ये इन्होंने इनॉग्रेट करी है। ओके, याद रखना है आपको, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 3 हाई एंड कोविड 19 टेस्टिंग लैब जो है वो इनॉग्रेट करी है। कहां कहां पे, कहां कहां पे ये इनॉग्रेट करी गई है, तो ये आपकी कहां कहां करी गई है, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, नोएडा और मुंबई और कोलकाता, ये 3 जगह आपकी करी गई है। ओके, सभी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कहां कहां करी गई है। तो ये कहां कहां करी गई है, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में ये 3 हाई एंड कोविड टेस्टिंग लैब जो है वो इनॉग्रेट करी गई है। ओके, ये आपको यहां से याद रखना है। यहाँ पे इन्होंने बोला भी है, तो ये बोला है वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता यार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या किया है, बोलने से कुछ नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या किया है। ICMR की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर और डॉक्टर बलराम भार्गव ये आपके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल हैं, बलराम भार्गव। ओके, चलिए, नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया फ्री मास्क प्लान फॉर राशन कार्ड होल्डर्स के लिए। तो अगर आप तमिलनाडु से हैं और आप राशन कार्ड होल्डर हैं, तो आपको फ्री में मास्क मिलेगा आपके पास अगर राशन कार्ड है। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं के पलानी स्वामी, उन्होंने क्या किया, मंडे को लॉन्च किया एक फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। अगर आपको भी मास्क चाहिए तो एक काम करो यार, शेयर कर दो सेशन को,
मैं भी मास्क दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं के पलानी स्वामी जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है। और वो स्कीम का एम क्या, वो स्कीम जो है वो फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे उस स्कीम के अंडर में, एंड 69 लाख फैमिलीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है इस स्कीम से। ओके, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। एंड पलानी के पलानी स्वामी गेव अवे द मास्क टू 5 पीपल एट द सेक्रेटरियट मार्किंग द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम एंड वुड विच वुड विटनेस डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिशरीज थ्रू राशन राशन शॉप्स। चलिए, तो ये आपको यहां से इतना याद रखना है, ठीक है, कि आपकी एक स्कीम लॉन्च करी गई है, फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ये कहाँ लॉन्च करी गई है, तमिलनाडु में। किसके द्वारा करी गई, तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पलानी स्वामी जी के द्वारा। ओके, चलिए, तमिलनाडु की बात करें, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है यहाँ के, और के पलानी स्वामी जो है वो चीफ मिनिस्टर। चल, जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे लॉन्च किया है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम, मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने क्या किया है, मैकाडिमेशन प्रोग्राम जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। मैकाडिमेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा इन्होंने अनाउंस किया है मैकाडिमेशन प्रोग्राम फॉर किसके लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में रोड को इम्प्रूव करने के लिए, रोड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सी स्कीम, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। तो आंसर क्या होगा, मैकाडमेशन प्रोग्राम। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए, बहुत खूब, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं अगर हम यहाँ से, तो जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल जम्मू है विंटर, और श्रीनगर समर कैपिटल है, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चल, इंटरनेशनल न्यूज सेक्शन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट बैच आपका 5 राफेल का इंडिया में आ चुका है फ्रांस से। ये आपको याद रखना है मेरे भाई कि फाइटर जेट जो है विल ऑफिशियली बी इंडक्टेड एंड ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स फ्लीट इन हरियाणा अंबाला ऑन जुलाई 29, ठीक है। तो ये जो फाइटर जेट है, 5 फाइटर जेट है, ये आ चुके हैं इंडिया में। कहां से आए, फ्रांस से आए, कहां से आए, फ्रांस से आए, ठीक है, ये याद रखना है। 5 एयरक्राफ्ट फर्स्ट ट्रांस जो है 36 प्लांट्स का बॉट किया था इंडिया ने फ्रांस से, बट 5 उसमें से आ चुके हैं। एंड 59,000 करोड़ रुपीज का ये था डील, 2016 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। डील कितने का था ये याद रखना है, और कितने इस प्लान का था ये भी याद रखना है, कितने आ चुके हैं ये भी याद रखना है। क्योंकि जब भी हमारी डील होती है ना किसी कंट्री से, तो भैया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हमारी डील होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड डिलीवरी ऑफ ऑल 36 एयरक्राफ्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल बाय द एंड ऑफ 2021। तो 2021 तक जितने भी 36 एयरक्राफ्ट है वो सब आ जाएंगे, जितने भी एयरक्राफ्ट है वो सब आ जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, स्टैटिक की बात करें, फ्रांस तो पेरिस कैपिटल है, करेंसी यूरो, और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। चलिए, इंडिया एक्सटेंड्स मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट 1 मिलियन डॉलर टू नॉर्थ कोरिया। तो जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने सेंड किए 1 मिलियन डॉलर की एंटी टाइबरकोलोसिस मेडिसिन, किसको, नॉर्थ कोरिया को, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वेस्ट करने पे, ठीक है, रिक्वेस्ट करने पे। तो यहाँ पे जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के रिक्वेस्ट करने पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1 मिलियन डॉलर के एंटी टाइबरकोलोसिस मेडिसिन जो है वो किसको भेजे हैं, नॉर्थ कोरिया को भेजे हैं, किसको, नॉर्थ कोरिया को। ओके, इंडिया हैज एक्सटेंड मेडिकल असिस्टेंट वर्थ 1 मिलियन डॉलर टू नॉर्थ कोरिया इन रेस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम WHO। ये आपको याद रखना है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूनियन जो मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने इसको अनाउंस किया है। आगे अगर हम WHO की बात करें, तो टेड्रोस अधानम जो है वो हेड है इसके, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, फाउंड किया गया 7 अप्रैल 1948 में, और पोंगयांग कैपिटल है कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की, किम जोंग उन सुप्रीम लीडर है, एंड करेंसी जो है नॉर्थ कोरियन वॉन इसकी करेंसी है। ओके, ये
याद रखना है आपको, सेलिब्रेट किया 55th इंडिपेंडेंस डे किसने, मालदीव्स ने। मालदीव्स ने 26th जुलाई को, इंटरनेशनल न्यूज से इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो मालदीव्स ने क्या किया यहाँ पे 26th जुलाई को सेलिब्रेट किया है 55th इंडिपेंडेंस डे। कौन सा 55th इंडिपेंडेंस डे। मालदीव्स की बात करें तो कैपिटल माले, और मालदीवियन रुपया जो है वो करेंसी है। मालदीव की कैपिटल क्या है, माले, और मालदीवियन रुपया जो है वो करेंसी है। और यहाँ पे जो इसके प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, वो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। चलिए इंपॉर्टेंट डेज की तरफ चलेंगे, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 28th जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28th जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से वर्ल्ड हेपेटाइटिस की थीम इंपॉर्टेंट बनेगी, तो ये भी आपको याद रखनी है। ये थीम आपकी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर इस बार की थीम है। थीम क्या है, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर इस बार की थीम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 28 जुलाई को किया जाता है। थीम की बात कर लेगा तो थीम आप बता देंगे हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर थीम है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, ये 8 मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन में से एक है जिसको WHO ने मार्क किया है। एंड अदर 7 जो कैंपेन है वो नीचे लिखे हुए हैं आपके, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड टेबरकुलोसिस डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, तो वर्ल्ड एड्स डे। मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ, आपने कॉमेंट सेक्शन में लिखते जाना है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर हम बात करें तो ये अप्रैल में किया जाता है। डेट कंफर्म करोगे क्या? हाँ, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड 7 अप्रैल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात करें तो 14 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। कब कब ऑब्जर्व किया जाता है इसको, 14 जून को, 14 जून को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की बात करते हैं तो ये लास्ट वीक में होता है, ये लास्ट वीक होता है जो अप्रैल का, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन लेकिन इस बार की बात करें तो ये आपका 24th से 30th अप्रैल तक किया गया है। अगर वर्ल्ड ट्यूबर कोलेसिस डे की बात करें तो वर्ल्ड ट्यूबर कोलेसिस डे जो है वो आपका 24 मार्च को किया जाता है। कब? 24 मार्च को। एंड वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को किया जाता है। कब किया जाता है? 31 मई को। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें वर्ल्ड मलेरिया डे की, तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो आपका 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे। और वर्ल्ड एड्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 दिसंबर को। ये आपके जो हेपेटाइटिस डे, ये 8 मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन में से एक है, और 7 जो है वो नीचे लिखे हुए हैं, और इन 7ों को हम कब कब ऑब्जर्व करते हैं ये हमने पढ़ लिया। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बिल्कुल करके आ जाएंगे। अगर हम यहां पे स्टैटिक की बात कर ले तो WHO इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, और हेड जो है वो टेड्रस अधानम है। टेड्रस अधानम, ये आपको यहां से याद रखना है। चलिए बात करेंगे, ये लिस्ट आपकी लगी हुई है, यहां से भी आप याद कर लेना वर्ल्ड एलर्जी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है। एंड सब लिखा हुआ है, प्लीज यार इसको इसको रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूरी लिस्ट मैंने बना के दी है। आगे नेक्स्ट अभी जो 1 अगस्त से मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको सभी लिस्ट दे दूं, जितने भी रैंक्स एंड इंडेक्स के भी कराता हूं मैं, तो वो भी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में। चल हैदराबाद की बात करें, यहाँ पे हैदराबाद 16th मोस्ट सर्विल्ड सिटी में आ जाता है वर्ल्ड के अंदर। तो तेलंगाना का जो कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ पे क्या किया गया है, फाउंड प्लेस अमंग टॉप 50 CCTV सर्विल्ड सिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे टॉप 50 के अंदर आता है, वो भी 16 रैंक है किसका, हैदराबाद का, हैदराबाद का। अब यहां से मतलब क्या है यहाँ पे, तो हैदराबाद के अंदर क्या है आपका, जो ये जो रिपोर्ट आई है, ये यूके टेक फर्म कैम्परीटेक हैदराबाद के द्वारा रिलीज करी गई है, पब्लिश करी गई है। ठीक है, 16th रैंक जो है वो हैदराबाद का है, सॉरी यूके टेक फर्म कैम्परीटेक जो है वो
रिपोर्ट रिलीज करी गई इसके द्वारा, और हैदराबाद का जो रैंक है वो 16th रैंक है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो रैंक है ये हैदराबाद का 30 सीसीटीवी पर 1000 पे का रेशियो है इस पे, मतलब 1000 लोगों में 30 सीसीटीवी काम करते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे हैदराबाद जो है वो आपका 16 नंबर पे है। हैदराबाद किस पे है? 16 नंबर पे है। अगर हम बात करें यहीं पे टॉप किसने किया है, तो ताइवान चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है। चेन्नई 21st रैंक है चेन्नई का, दिल्ली का 33rd रैंक है। ये टॉप 50 में तीन आपके सिटी आ जाते हैं। अगर हम बात करें कंपेरी टैग की, तो इंग्लैंड में इसका हेड ऑफिस है। ये जो रिपोर्ट करी है यूके टैग फॉर्म कंपेरी टैग, तो इसने क्या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 16th रैंक है हैदराबाद इंडिया का। कैमरा कितने हैं, तो 1000 लोगों में 30 कैमरे हैं निगरानी रखने के लिए। एंड टॉप जिसने किया ताइवान चाइना ने किया, तो यहाँ पे 120 के करीब कैमराज हैं आपके, 119 बोल सकते हैं। कितने 1000 पीपल में इनको जो ट्रीट किया गया, 1000 पीपल से ही ट्रीट किया गया। एंड जो वुक्सी चाइना है इसमें 92 है कैमराज। एंड लंडन इंग्लैंड की बात करें तो 67 कैमराज है। तो ये रैंक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये है, और 16th आपका इंडिया का है। इसके अलावा जस्ट मैंने आपको बताया ही है कि जो रैंक है 21st रैंक है चेन्नई का, और 33rd रैंक है दिल्ली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो इंडिया का रैंक 3rd रैंक है किसमें, टॉप 10 कंट्रीज में गेनिंग फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो जो आपका रिपोर्ट आया है FAO का, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, और इस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का 3rd रैंक है। इंडिया का रैंक क्या है मेरे भाई, 3rd रैंक है। ये आपको याद रखना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एंड जो 3rd रैंक है टॉप 10 कंट्रीज में, हैव बीन गेन्ड फर्स्ट गेन इन फॉरेस्ट एरियाज इन द लास्ट डिकेड 2010 to 20। ओके, सो आपको ये याद रखना है कि रैंक इंडिया का रैंक क्या है। बाकी के और भी रैंक मैं बताऊंगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक पोर्शन की बात कर ले, तो डायरेक्टर जनरल जो है आपके वो डोंग्यू है, क्यू डोंग्यू, और हेडक्वार्टर जो है इसका ये रोम इटली में है। कहाँ पे हेडक्वार्टर, रोम इटली में। बाकी लिस्ट आपके सामने लगी हुई टॉप 10 कंट्रीज की जिन्होंने गेन किया है फॉरेस्ट एरिया को वर्ल्ड के अंदर। ये जो रिपोर्ट आई है वो आई है फॉरेस्ट एरिया को गेन करने पे, तो गेन किया है उसमें इंडिया 3rd पे आ जाता है आपका। तो जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने गेन किया है फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड के अंदर, उनका लिस्ट लगा हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, चाइना ने, चाइना जो है वो आपका टॉप पे है, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया है, 3rd आपका इंडिया है, फिर आपका चिली आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, तुर्की, फिर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एंड फ्रांस, इटली, रोमानिया। तो ये ओवरऑल आपकी लिस्ट लगी हुई है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉप 10 कंट्रीज, मतलब टॉप कंट्रीज बताओ गेनिंग फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो टॉप कंट्री कौन सी है, चाइना है, रैंक 3rd किसका है, तो इंडिया का 3rd रैंक है, या फिर इंडिया का रैंक क्या, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं हम लोग आपस में, ठीक है, हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक है, ये MOU साइन कर लिया, मैं साइन कर देता हूँ यहाँ पे, रुको मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, आप लोग भी सिग्नेचर कर लेना। ये मेरे सिग्नेचर कर दिए मैंने, ठीक है, मैंने सिग्नेचर कर लिया, अब आप लोग भी कर देना, एग्रीमेंट साइन हो गया, सोच लेना, अभी बाद में कुछ नहीं कह सकते मैं कि सर शेयर नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट कर लिया साइन, अब कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। तो यहाँ पे ट्रिफेड की बात करें, यहाँ पे साइन किया गया MOU किसके साथ में, IIT दिल्ली के साथ में इसने MOU साइन किया है। ठीक है, किसके साथ में किया है, IIT दिल्ली के साथ में किया है, उन्नत भारत अभियान के, ठीक है, उन्नत भारत अभियान के लिए। तो यहाँ पे ट्राइफेड की बात करें, इसने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स के अंडर में एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो एग्रीमेंट किसके साथ में, IIT दिल्ली के साथ में साइन किया है। किसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्नत भारत अभियान को, उन्नत भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आपका एग्रीमेंट साइन किया गया है, याद रखना है आपको। ठीक है, एग्रीमेंट वॉज साइन फॉर द ट्रिपल एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग अंडर वन धन प्रोग्राम फॉर ट्राइफेड। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा, ये जो
एग्रीमेंट साइन किया गया, ये ट्रिपल एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया गया, वर्किंग अंडर किसके अंडर में काम करते हैं, तो वन धन प्रोग्राम के अंडर में, ओके ये आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा हम यहाँ से बात करें तो विवा इज विजनना भारतीय साइंस मूवमेंट है, और यहाँ पे इसको इसकी भी हेल्प मिल जाएगी, इस रिसीव हेल्प फॉर विवा मूवमेंट से इस IIT और ट्राइफेड पार्टनरशिप को हेल्प मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए जब भी MOU से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है, जब भी कोई एग्रीमेंट MOU से पूछा जाता है तो किस किसके बीच में हुआ है, तो रोहित सर और आप लोग के बीच में हुआ है एग्रीमेंट, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। अभी यहां पे ट्राइफेड और IIT दिल्ली के साथ में हुआ है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जा सकता है। ट्राइफेड की बात कर लेते हैं तो प्रवीर कृष्णा यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर MD है, और हेड ऑफिस जो है इसका न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिपल अफेयर्स की बात करें तो इसके अंडर में ये आपका काम करता है ट्राइफेड। अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिपल अफेयर्स की बात करें मेरे भाई, तो अर्जुन मुंडा जो है वो आपके, अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रेणुका सिंह सरुता। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज में चलते हैं, तो हिमा दास ने यहां पे डेडिकेट किया अपना अपग्रेडेड गोल्ड मेडल COVID-19 वॉरियर्स को। जो हिमा दास हैं 2018 में यहाँ पे एशियन गेम्स में इन्होंने इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता था मिक्स रिले इवेंट में, और इन्होंने डेडिकेट कर दिया किसको, कोरोना वायरस वॉरियर को, किसको किया, कोरोना वायरस वॉरियर को। तो इंडिया इनिशियली टैलीड 69 मेडल एट द 2018 एशियन गेम्स, हैज दस नाउ इम्प्रूव टू 70। ओके आपको ये याद रखना है, यहाँ से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होता है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर हम मैं यहाँ से बात करूँ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो सुमरी वाला। ओके चलिए साइंस डिफेंस प्लस साइंस टेक की तरफ चलते हैं, तो इंडिया बैन करेगा 47 मोर चाइनीज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, पबजी भी उसकी लिस्ट में है, पबजी का नाम भी उसकी लिस्ट में है, ठीक है। तो जो आपका इंडिया है ये क्या करेगा, ये 47 एप्लीकेशन और बैन करेगा, अभी टिकटॉक किया था, अभी पबजी करेगा, उसकी रडार में है पबजी, तो यहाँ पे बैन करेगा 47 चाइनीज ऐप, पहले 59 किए गए थे लास्ट लास्ट टाइम जून में, अभी ये 47 करे जाएंगे, ठीक है 47 करे जाएंगे, लेकिन अभी रिलीज नहीं करे जाए, लिस्ट रिलीज नहीं करी गई है, लिस्ट अभी रिलीज नहीं करी गई, सो कांट से राइट नाउ कि कौन कौन से हैं, बट हाँ पबजी रडार में है, ये न्यूज में था, ठीक है, ये रडार मतलब लिस्ट में है, लाइन में है, ठीक है। तो ये पबजी मोबाइल एप्लीकेशन, अली एक्सप्रेस एंड 274 अदर चाइनीज ऐप हैव रिपोर्टेडली बीन रेड फ्लैग ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ओके सो हाँ ये याद रखना है। अब यहां से अगर बात करें, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन तो किए हैं, 47 मोर चाइनीज एप्लीकेशन बैन करेगा, ठीक है एग्री करते हैं, बट क्वेश्चन जो यहां से पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में, तो इंडिया जो करेगा वो अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के अंडर में ये बैन किए जाएंगे, ठीक है ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि किस एक्ट के किस सेक्शन के अंडर में किए जाएंगे। ओके चलो, अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है पोर्टल जॉब सीकर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसने, जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने लॉन्च किया है रोजगार बाजार के नाम से, किसके नाम से, रोजगार बाजार के नाम से। ओके ये आपको याद रखना है कि रोजगार बाजार किस स्टेट ने पोर्टल लॉन्च किया, किस UT ने किया है, तो दिल्ली ने किया है, किस चीफ मिनिस्टर ने किया है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, ठीक है ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हम इसके वेबसाइट की बात करें तो jobs.delhi.gov.in ये इसकी वेबसाइट है, दैट्स इट, बस इतना सफिशियंट है आपके लिए। अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, अनिल बैजल जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ऑबिचुरीज में बात करेंगे तो सीनियर एडवोकेट थे आपके भास्कर राव जी, जो ऑबिचुरीज में अगर हम जाते हैं तो भास्कर राव जी आपके सीनियर एडवोकेट थे, इनका हाल ही में निधन हुआ, 77 ईयर ओल्ड थे ये, पुणे में इनका निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है, दीनानाथ हॉस्पिटल में हुआ है, ये फोटो में आप देख रहे हैं भास्कर राव जी, और ये सीनियर एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट थे। चलिए आज अब बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की, जो आज के हमारे सवाल हैं, पांच स्टैटिक के क्वेश्चन आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे, अगर जो भी रिकॉर्डेड देखते हैं प्लीज यार रिक्वेस्ट करता हूं मैं, वीडियो बंद करके दोबारा फिर से स्टार्ट करेंगे, इनके आंसर मैं आज नहीं बताऊंगा, आपने क्या करना है, आपने गूगल करना है, आपने गूगल करके आपने इसका आंसर ढूंढना है, नोमोरा
होल्डिंग्स का हेडक्वार्टर पूछा गया है, नोमोरा होल्डिंग्स का हेडक्वार्टर पूछा गया है। देखिए मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग गूगल करके इसका आंसर करेंगे, बाकी कल मैं इसके आंसर बताऊंगा, ठीक है। और आंसर कहां करेंगे आप, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, चैट बॉक्स में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट पूछे गए, ठीक है। नॉर्थ कोरिया न्यूज में था, नॉर्थ कोरिया की करेंसी पूछी गई है, अभी जस्ट यार मैं बता के आया था, ठीक है। हेडक्वार्टर आपका इंडियन ओवरसीज का कहां पे है, इंडियन ओवरसीज का हेडक्वार्टर ये स्टैटिक पोर्शन से रहेगा, डेली 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के कौन है, प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, होप सो आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, क्योंकि मैं अच्छा तो पढ़ाता ही हूँ तो आपको अच्छा भी लगा होगा। और अभी इसके जस्ट बाद में हम लोग आने वाले हैं अनअकैडमी पे, वहाँ पे हम लोग कल जो डिटेल में हमने पढ़ा था उसके एमसीक्यूज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो भी आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो वहाँ पे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga, let's crack it, khed ko chhod de, let's crack it, raaste mod de. साधन सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तूले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोकते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा।